पीएचक्यू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीजीपी यूआर साहू ने दी एडीजी को जिम्मेदारी, 10 एडीजी को रेंज प्रभारी बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और 10 एडीजी को रेंज प्रभारी बनाया गया क्योंकि अब जिम्मेदारियों का दौर जारी है और जिम्मेदारी के साथ में काम करना होगा, इसलिए पीएचक्यू से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर से ये बड़ी जानकारी, जहां डीजीपी यूआर साहू ने एडीजी को जिम्मेदारी दी गई है और 10 ऐसे एडीजी हैं जिनको रेंज प्रभारी बनाया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर जब बीजेपी सरकार में नहीं आई थी, यानी सत्ता में नहीं थी, तब सुरक्षा का व्यवस्था हो, अवैध खनन हो, बजरी माफिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर सख्ती बरतने की बात कहती रही, और जब सरकार अब बन गई है तब इस पर अमल भी किया जा रहा है। इसके तहत आपको एक उदाहरण के तौर पर दें तो किस तरह से कई जो हार्डकोर अपराधी उनको पकड़ा गया, और अब ये आपको एडीजी की ये जानकारी दे रहे हैं, 10 एडीजी को जो रेंज प्रभारी बनाया गया वो लिस्ट आपके सामने। राकेश दादिज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी? राकेश, सुन पा रहे हैं आप? राकेश का रुख करेंगे, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लिस्ट वो आपके सामने, जहां एडीजी रेंज प्रभारी बनाए गए हैं। 10 ये एडीजी की लिस्ट है जिन्हें रेंज प्रभारी बनाया गया है, जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं और अब इन जिम्मेदारियों के तहत कुशल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना पुलिस की ये जिम्मेदारी, जो रेंज प्रभारी बनाए गए हैं एडीजी, उनकी जिम्मेदारी रहने वाली है।